बलदेव पुलिस के द्वारा युवक के साथ की गई दबंगी और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पिता का आया बयान। मथुरा के बलदेव पुलिस के द्वारा युवक के साथ की गई दबंगई और मारपीट के वायरल हुए वीडियो के बाद पिता का बयान आया है, जिसमें पिता के द्वारा एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया है कि मेरे साथ मेरे बेटे ने कोई मारपीट नहीं की है और ना जान से मारने की कोशिश की है। मैं इसका शपथ पत्र न्यायालय में दे चुका हूँ। पुलिस ने उसके साथ गलत तरीके से मारपीट कर गिरफ्तार किया है, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को इस बात की कोई भी सूचना नहीं दी गई है। पुलिस ने गलत तरीके से मेरे बेटे की पिटाई कर उसको गिरफ्तार किया है। मेरे साथ किसी और ने घटना की थी, मैं उसको पहचान नहीं पाया था। पुलिस ने द्वारा दिया गया बयान गलत है कि मेरे बेटे ने मुझको जान से मारने की कोशिश की है। मैं इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे चुका हूं। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी ऐसे पुलिस बालों पर कार्यवाही करते हैं या जनता के साथ पुलिस का ऐसा ही रवैया चलता रहेगा। मेरे पुत्र हरिओम को आज बलदेव थाना के दरोगा द्वारा माननीय तरीके से गिरफ्तार कर ले जाया गया है, जिसमें कि मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में इस बात का शपथ पत्र दिया जा चुका है कि मेरे साथ मेरे पुत्र हरिओम रूपेश राधिका के द्वारा कोई घटना नहीं की गई है और नहीं मैंने पुलिस अधीक्षक को अपने पुत्र से संबंधित जानकारी नहीं दी गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा कहा गया है कि मेरे पुत्र मेरे साथ कोई गंभीर घटना घटित कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ घटना करने वाले को मैंने पहचाना नहीं था। इस बाबत मैंने शपथ पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को दे चुका हूँ।